हाउ टू क्रिएट पेपल अकाउंट, पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी यही टॉपिक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पेपल अकाउंट कैसे आप बनाएंगे, बिजनेस पेपल अकाउंट 2023 में कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेपल अकाउंट होता क्या है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये पेपल अकाउंट होता क्या है, इससे करते क्या है। तो आप सबको पता, अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, आपने भी फेसबुक पे पेआउट का सेटअप किया होगा। जब आप पेआउट करते हैं अपने फेसबुक पे, तो उस पर देता है दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक बैंक का मिलता है, नीचे एक पेपल का मिलता है। तो बहुत से लोगों को होता है कि पेपल का मुझे पता ही नहीं पेपल होता क्या है। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। अगर आप पेपल अकाउंट बना लेते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने पेपल अकाउंट में भी पैसे मंगा सकते हैं। आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या तो आप किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो अगर वो आपको पेपल के थ्रू पेमेंट देनी चाहेगी तो आपको कैसे देगी, क्योंकि आपके पास पेपल अकाउंट होना जरूरी है। तो आज मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, सही तरीका क्या होता है पेपल अकाउंट बनाने का, क्योंकि दो तरीकों से पेपल अकाउंट बनता है। कुछ भाई उसमें गलती कर देते हैं, एक दूसरा तरीका हो उस तरीके से बना लेते हैं, तो उसके बाद कहीं से उनको पेमेंट मंगानी होती है तो पेमेंट नहीं आती है। तो चलिए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और स्वागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सीधा चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें स्क्रीन बड़ी होगी। बाकी आप मोबाइल से भी बनाना चाहें तो मोबाइल पे भी बना सकते हैं। मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप कमेंट बॉक्स से उठा सकते हैं, सीधा उस लिंक पे क्लिक करके आप भी इजी जो है बना सकते हैं पेपल अकाउंट। तो ये आ गए दोस्तों हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ paypal.com खुला हुआ, मतलब पेपल की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है। अगर आपको भी बनाना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है साइन अप पे, क्योंकि हमें नया अकाउंट बनाना है, तो साइन अप पे क्लिक कर देंगे। ऐसे साइन अप पे क्लिक करने के बाद देख लें यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक है इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा है बिजनेस अकाउंट। यहीं पे हमारे भाई जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद कहीं से आपको पेमेंट अगर मंगानी होती है तो इस अकाउंट पे आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, आपको अगर किसी को सेंड करना है तो सिर्फ आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट बनाना जरूरी है, अगर आपको पैसे कहीं से मंगाने हैं। तो हमने करना है बिजनेस अकाउंट पे क्लिक और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही एक इंटरफेस हमारे सामने आएगा, थोड़ा सा जल्दी, नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये बिल्कुल फ्री है, चाहे आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हो इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में है ये। अब देख सकते हैं हमारे सामने इंटरफेस आया, ईमेल एड्रेस, सबसे पहले हमने इसमें ईमेल एड्रेस डालना है। आपके पास भी ईमेल एड्रेस हो, आप भी अपना ऐसे ईमेल एड्रेस इसमें डाल लेंगे, लेकिन ईमेल एड्रेस कौन सा डालेंगे ये भी आपको बता दूं, जो आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल सिक्योर हो, जो आपने हर जगह ना लगा रखा हो, वो ईमेल आईडी आप यूज करना, ताकि आपके साथ आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यही ईमेल एड्रेस आपका जो है अकाउंट नंबर होगा पेपल में, यही आपका ईमेल एड्रेस जो है आपका अकाउंट नंबर होगा। तो इसीलिए कहता हूं कि आप जो है सिक्योर ईमेल आईडी लगाएंगे। अब देख सकते हैं मैंने ईमेल आईडी यहां पे अपनी डाल दी है, उसके बाद हम लोग यहां पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही देख लें, अब यहां से आपको कह रहा है कि आपको एक पासवर्ड चूज करना है, जो भी आपको पासवर्ड अपना बनाना हो अपनी चॉइस से आप यहां पासवर्ड बना लेंगे। तो मैं भी एक पासवर्ड बना लेता हूं, देखते हैं पासवर्ड मैंने बना लिया। उसके बाद नीचे आपके सामने आ रहा है सबमिट का ऑप्शन, दोबारा से हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पूछ रहा है आपसे डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपका बिजनेस टाइप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देख लें, मैं करूंगा इंडिविजुअल। ठीक है, यहां हमने इंडिविजुअल, अगर आपका बिजनेस है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस इसमें डाल सकते हैं, अगर पार्टनरशिप में कर सकते, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आप पार्टनरशिप भी डाल सकते हैं। लेकिन बिजनेस है मतलब कैसा, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपके पास, अगर कोई बड़ा बिजनेस करें तो ही डालें, नहीं तो इंडिविजुअल ही करेंगे हम। तो मैं करूंगा अपना जो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कर दिया। अब यहां पे देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सर्विस कीवर्ड, ठीक है, यहां पे आपके काम के बारे में थोड़ा बताना है, जो आप सर्विस दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, यानी अपने बिजनेस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है कीवर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे हम लोग, डिजिटल गुड्स मीडिया। ठीक है, ये हम लोग चॉइस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड ही है, ये इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है पर्पस कोड, अगर बाय चांस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसका यहाँ पे कुछ कोड होता है, वो आपको डालना है। लेकिन हमने जो करना है सर्विस दे रहे हैं लोगों को हम, तो यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको पर्सनल आपका पैन नंबर डालना होगा, इसमें पैन नंबर डालना है और उसके नीचे जो है आपके जो भी पैन कार्ड में नाम होगा सेम वही नाम इसके अंदर आप डाल देंगे, ठीक है। और नीचे जो है वेबसाइट, वेबसाइट की अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसकी आप इसमें लिंक डाल देंगे, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इसमें कुछ ना डालें, छोड़ दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना पैन नंबर और नाम डाल लेता हूँ, तो यहाँ मैंने डाल दिया अपना नाम और नीचे कुछ नहीं डाला, उसके बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब ये सबमिट हो रहा है और उसके बाद दूसरा हमारा इंटरफेस देख लें, अब एक और इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है, इसमें आप फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम, अगर सिर्फ दो नाम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, बीच वाला आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, आपकी जो भी नेशनलिटी होगी, हमारी इंडिया है तो हम इंडिया डालेंगे, आई लव माई इंडिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपके आई डी पे वही डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल देना है, स्टेट यहाँ से चॉइस कर लेनी है, जो भी आपका स्टेट होगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश कर लेंगे, ऐसे उत्तर प्रदेश कर लेंगे। और उसके बाद नीचे जो है मोबाइल नंबर और आप किस करेंसी में पेमेंट लेना चाहते हैं, तो डॉलर, मैंने डॉलर कर रखा है तो आप भी डॉलर कर सकते हैं, दूसरी कोई करेंसी करनी है तो आप दूसरी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूएस डॉलर कर रखा है तो ये डॉलर के साथ ही मैं जाऊंगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़। सारा कुछ डिटेल भरने के बाद नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं इसमें से हमने चॉइस जो करना है, हमने करना है सर्विसेज और इसके नीचे जो है लिखा हुआ है अदर, ठीक है, ये हमने चॉइस करना है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, तो एक मैंने ले लिया सर्विस और एक ले लिया मैंने अदर, ठीक है। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट मार देना है, नेक्स्ट मारने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तीन टाइप की ट्रांजेक्शन है, एक तो इनवाइस वाली है, दूसरी है आप क्रिएट लिंक, एक लिंक बना के भी सामने वाले को भेज सकते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके फिर वो आपको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक है ये वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, तो मैं तीनों का तीनों ले रहा हूँ, ठीक है, तीनों का तीनों ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू योर कस्टम परचेस योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये दो तरीके हैं इसमें है, इसमें भी हम दोनों तरीके से कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मार देंगे। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या है, फाइनली व्हाट टाइप यू सेटअप एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फॉर यू, ये दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको पता होगा इनवाइस कैसे बनानी है, क्या बनानी है, आप खुद का भी बना सकते हैं। और आपको अगर जो कंपनी दे रही है उनके साथ जाना चाहें तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, जाहिर सी बात है हमें नहीं पता तो हम इनके साथ ही जाएंगे और आप भी इनके साथ ही जाना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है हमारे सामने इंटरफेस है, लेकिन यहाँ हमने कुछ छेड़ना नहीं है, स्टार्ट सेटअप ऐसा कुछ नहीं करना है हमने, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देना है हमने। सीधा हम लोग होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा और ये देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड जो है इस तरीके का आ चुका है हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड। और बैलेंस यहाँ दिखा रहा है 0-0 क्योंकि हमने यूएसडी जो है यूएसडी डॉलर सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो अभी 0-0 है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, देख सकते हैं यहाँ से इनवॉइस वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे हम लोग। और फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ नीचे देख सकते हैं कन्फर्म ईमेल एड्रेस, सबसे पहले हमने जो है अपनी ईमेल को कन्फर्म करना है, तो सी डिटेल्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे अपनी ईमेल आईडी पे, ठीक है, ईमेल आईडी पे जो हमें एक मेल आया होगा उस मेल को हम लोग ओपन करेंगे, जो सबसे ऊपर मेल है इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और ओपन करते ही देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा गेट स्टार्टेड नाउ, इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको पासवर्ड डाल देना, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा पेपल अकाउंट का वो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ही सेकेंड में हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा, आप भी ऐसे वेट कर लेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो आप देख सकते हैं दोबारा से हमें जो है वापस डैशबोर्ड पे लाके फेंक दिया क्योंकि हमारा जो ईमेल एड्रेस था वो वेरीफाई हो चुका है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, देख सकते हैं ईमेल एड्रेस जो हमारा वेरीफाई हो चुका है क्योंकि यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, कन्फर्म यूअर आइडेंटिटी,
ये भी हमें करना है, कंपलसरी है, क्योंकि इसी में हमने फिर अपना अकाउंट भी ऐड करना है, क्योंकि आपके पेपल पे आप पेमेंट मंगाएंगे तो पेपल से फिर आपके पेमेंट कहाँ जानी है, आपके अकाउंट में ही तो आनी है। तो सबसे पहले हमने जो है अपना अकाउंट इसमें ऐड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कन्फर्म यू आर आइडेंटिटी पे उसके नीचे लिखा हुआ सी डिटेल्स, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पे लिख के दे रहा है गेट स्टार्टेड, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक कर देना है। ऐसे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहां पे लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट और नीचे लिखा हुआ है गो टू वेरिफिकेशन, तो हमने जाना है गो टू वेरिफिकेशन पे, इस पे हमने क्लिक कर देना है। अब यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पे यूएस डॉलर दिखा रहा है, क्योंकि हमने करेंसी जो है यूएस डॉलर ले रखी है, तो यहां 00 दिखा रहा है। और थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे और नीचे आपके सामने देखें ऐसा आएगा लिंक एंड न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐसे अब देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा लिंक बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आईएफएससी कोड और यहाँ पे जो है आपको अपना आईएफएससी कोड डाल देना है, उसके नीचे अकाउंट नंबर डाल देना है। जैसे आप अपना आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे लिखा हुआ है लिंक यूर बैंक अकाउंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने अपना डिटेल डाल दिया, उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे लिंक यूर बैंक पे, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐसे और थोड़ी देर में देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है वी सेंड स्मॉल डिपॉजिट फॉर लेस देन 1.50, मतलब पेपल का कहना है कि हम आपके अकाउंट में जो है वेरिफिकेशन के लिए 1 से 1.5 रुपए आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ चेक करने के लिए कि हाँ सब सही है नहीं सही है। तो आपके अकाउंट में भी ऐसे 1 रुपए या 1.5 रुपए आपको ट्रांसफर करेंगे, वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होगा। तो आपके अकाउंट में जब वो आ जाए तो आप समझ लें कि हाँ मेरा अकाउंट सब कुछ ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ओके और यहाँ ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ऐसे 3 से 5 दिन में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा मैसेज लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ, पढ़ सकते हैं सब कुछ जो भी है, ठीक है। फ्यू डेज, 3 to 5 days, ठीक है, आपको 1 से 1.5 रुपए तक पेपल अपनी तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है। अब नीचे लिखा हुआ है ओके, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा जो है अभी ये पेंडिंग में है, ठीक है, अभी ये वेरीफाई होगा, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद फिर हमारे अकाउंट में वो पैसे आएंगे। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि पेपल अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक वीडियो बना दें, तो मैंने आज फाइनली वो वीडियो बना दिया। आप पेपल अकाउंट ऐसे बना सकते हैं, बारीकी से मैंने बता दिया हर चीज, आप भी घर बैठे एक पेपल अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। और इसके बारे में आगे भी और कुछ जानेंगे, जो भी आपको जानना हो जरूर बताइएगा, मैं इस पर और भी वीडियो बना दूंगा। तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, बस अच्छी लगी हो तो जाते लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलता हूं आपसे जल्दी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।